तो गाइस न्यू चैलेंज आया है सीओसी के अंदर, वो आपको कुछ इस प्रकार से आपको 3 स्टार करना है। तो सबसे पहले आपको 2 बलून्स डाल देने हैं ताकि जो भी यहाँ पर से रेड माइंस वगैरह वो ट्रिगर हो जाए। एंड उसके बाद सिंपल आपको जो अपना वार्डन है ग्राउंड पे सेलेक्ट करके सारे हीलर्स उसके पीछे डाल देने हैं। एंड सिंपल लेफ्ट में आपको एक बेबी ड्रैगन और एक बलून डाल देना है ताकि जो ये दोनों टेस्लाज है और एक ये जो कैनन है यहाँ से मतलब वो ईजिली टेक डाउन हो सके। एंड आपको 2 वॉल ब्रेकर डालने हैं, सुपर वॉल ब्रेकर, एक यहाँ पर विजार्ड टावर पर एंड एक वहाँ पर जो रेज स्पेल है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, वार्डन का वेट करना है ताकि जो ये स्कैटर शॉट वगैरह है एंड साथ में जो ईगल वगैरह है वो इसको टेक डाउन कर सके। एंड थोड़ा सा यहाँ पर लेफ्ट साइड में फनल क्रिएट हो सके ताकि जो हमारे येटी है और जो सुपर बॉलर है तो भाई यहाँ पर से ये सीधा कोर के अंदर जा सके। एंड गाइस आप थोड़ा सा वेट करना है, आप वार्डन को यहाँ पर एक रेज स्पेल भी दे सकते हो, यूज़ कर सकते हो ताकि जो ये स्कैटर वगैरह इसका डैमेज बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ रहा है। तो इसीलिए बाकी देख सकते हो अभी वैसे कोई ज़रूरत तो पड़ी नहीं थी, बट फिर भी मैंने यहाँ पर से जल्द यहाँ पर फनल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कर दिया। तो देखो काफ़ी अच्छा फनल क्रिएट हो गया यहाँ पर से लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो अब सीधा मुझे क्या करना है, सामने का एक वॉल ब्रेक करना है एंड सीधा वॉल ब्रेकर डाल के यहाँ पर पूरी आर्मी डाल दी है मैंने। एंड सिंपल देखो मैंने वॉल ओपन कर दिया यहाँ से ताकि जो मेरे सारे ट्रूप्स है जो कोर के अंदर चले जाए। आखिरी में आपके पास सिर्फ 2 बलून्स और एक यहाँ पर विजार्ड बचा है। जैसे ही यहाँ पर से टाउन हॉल टेक डाउन होता है एंड यहाँ पर आप ट्रिप फ्रीज भी कर सकते हो अगर टाउन हॉल ज़्यादा डैमेज दो, वरना जैसे ही टाउन हॉल टेक डाउन होता है आप सिंपल वार्डन की एबिलिटी दे देना ताकि आपकी जो ट्रूप्स है वो बचे रहे, जो ये पॉइजन वगैरह इसका डैमेज ना हो। एंड सिंपल आपको भाई सीसी जब भी बाहर आए उसके आगे पहले ही एडवांस में आपको यहाँ पर पॉइजन डाल देना है। एंड उसके बाद सिंपल भाई देखो यहाँ पर जो ये रेज टावर है, जो ये स्कैटर है इसके अंदर ये बहुत डैमेज देता है स्कैटर शॉट, तो इसलिए आपको इसको फ्रीज कर देना है। एंड उसके बाद सिंपल आपको रेज डाल देना है एंड पीछे की तरफ जो विजार्ड टावर है उसके ऊपर 2 यहाँ पर से बलून डालना है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो रखे। एंड थोड़ा सा उसके बाद यहाँ पर एक साथ में विजार्ड भी डाल सकते हो उसके साथ। एंड भाई देखना सिंपल आपको वेट करना है, यहाँ पर आपका वेट करो, आपका इजीली एकदम 3 स्टार हो जाएगा। देखो जैसे मेरा हो गया अटैक एकदम इजीली भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आई। अगर आपका 3 स्टार हो जाता है तो भाई बहुत ही अच्छा है, वरना आप यहाँ पर से फिर से वीडियो को देखना, ट्राई करना, इजीली हो जाएगा एकदम, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। बाकी यही था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।